आज हम न्यू रेसिपी लाए हैं। मैं पफ पेस्ट्री यूज करूंगी और चिकन ब्रेस्ट लिया था मैंने दो, और उसको मैंने बॉईल करके छोटे छोटे पीस कर लिए। इसमें जाएगी मिक्स सब्जी, वेजिटेबल मिक्स, और प्याज लिए मैंने एक छोटी, उससे मैंने चॉप कर लिए। थोड़ा सा टमाटर पेस्ट जाएगा उसमें, 3 टेबल स्पून। लहसुन डालेंगे, 2 लहसुन उसको हमने चॉप कर लिया है। नमक और लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून लिए मैंने, और थोड़ी सी ओरिगानो डालेंगे, और ऑयल डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा। और ये पफ पेस्ट्री मैंने रेडीमेड ली हुई है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, यहाँ हम एक बर्तन गर्म कर रहे हैं, इसमें हम डालेंगे ऑयल, बिल्कुल थोड़े डालूंगी मैं। इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज थोड़ी सी नरम हो गई है, मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन, गार्लिक को भी थोड़ा सा नरम कर दी। गार्लिक नरम हो गए, अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक और मिर्चें, टमाटर पेस्ट, और अब इसमें डाल देंगे हम चिकन। ओरिगानो, फिर हमने फ्रोजन सब्जी ली थी वो बहुत जल्दी गल जाती है, तो चिकन हमारी बॉयल थी इसलिए हमें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए जी, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बेल लूं। ये देखिए जी, ये हमने काट लिया, मैं इसके अंदर डालूंगी। ये देखें, ऐसे बना लेंगे हम सारे, ऐसे बना लेंगे। और एक ट्रे, साइडों से ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने जर्दी ली है अंडे की, खाली जर्दी। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं ये मैंने डाल दिए, मैं इसे ओवन में रखूंगी। 350 पे मेरा ओवन प्रीहीट है, 10 मिनट पहले मैंने इसे प्रीहीट कर लिया, तो मैं इसे रख लिया है। मैं एक आपको काट के दिखाती हूँ। ये
ये देखें, इसको मैंने बेक करने के लिए रखा था 350 पे ओवन मेरा प्रीहीट था 10 मिनट। पहले किसी का ओवन के टेम्परेचर मुख्तलिफ हो, 10 मिनट लगे हैं बेक होने में। अगर आपके पेस्ट्री की शीट नहीं है तो आप लोग उसे पिज्जा डो में भी बना सकते हैं, पिज्जा डो में भी बना सकते हैं। पिज्जा डो की रेसिपी मेरे चैनल पे है, देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी दे दूंगी आप लोगों को। तो ये बनाएगा, मुझे बताएगा कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरा फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।